नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर द्वारा गीता भवन कालका में 24वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के लिए 127 लोगों ने पंजीकरण करवाया तथा रोटरी ब्लड बैंक सोसाइटी सेक्टर 37 चंडीगढ़ की टीम द्वारा 104 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि डॉक्टर पुनीत बेदी, अध्यक्ष शिक्षा एवं महिला कल्याण मंच की भाजपा तथा सोसाइटी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके अतिरिक्त समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महान अनुभवों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर पीयूष पुंज, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा तथा प्रधान नरेंद्र गुप्ता द्वारा सोसाइटी के कार्यों को अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उन्होंने सभी रक्तदाताओं सहित रक्तदान शिविर के आयोजक रोहित पुंज तथा आचार्य सुनील दत्त गौतम को शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के सभी प्रमुख पत्रकारों को भी समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी प्रतिवर्ष 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त वह निर्धनों की सेवा, मरीजों की सेवा, सर्दियों में कंबल बांटना एवं जरूरतमंदों की सहायता करना इत्यादि अनेक सामाजिक सेवा के कार्य करती है। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान नरेंद्र गुप्ता, ऑर्गेनाइजर पीयूष पुंज, सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा, उप प्रधान परमजीत शर्मा, शेरचंद चावला, जसकरणजीत सिंह, दलजीत मेहरा, राजकमल शर्मा, रोहित पुंज, प्रवीण पुंज, हिमांशु खोसला, धर्मेंद्र शर्मा, सुनील दत्त, संगीता, पूजा शर्मा, अरुणा कांडा एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं हमारी विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी द्वारा 24वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। बड़े हर्ष की बात है। श्रीमती पुनीत बेदी जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही हमारी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर श्रीमान पीयूष पुंज जी एवं अन्य गणमान्य सदस्यगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदया से कि वे हमें बताएं कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जो इनके उद्देश्य हैं वो पूर्णतः समाज सेवा को समर्पित हैं, जैसे असहाय लोगों के इलाज करना, औरतों के या गरीब लोगों को कंबल वगैरह बांटने, और ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत रेगुलर लगाते हैं, बच्चों को स्टेशनरी फीस वगैरह देना, किसी भी तरह की कभी भी किसी को आवश्यकता होती है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, ये पिंजौर कालका का ये सभी असाध्य लोगों को कि उनकी सहायता करते हैं। और जब हम इनको कोई बीमार व्यक्ति की अगर ये इलाज करते हैं तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता पूर्णतः उसके लिए समर्पित रहते हैं। और इसके साथ स्पिरिचुअलिटी, ध्यान और संस्कार बनाना भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है। और इनका जो आजकल की जो करंट हमारी प्रॉब्लम है नशा बंदी, उसके विरुद्ध भी ये कार्य कर रहे हैं और युवा को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए कृत संकल्प हैं। और इन्हीं सारे संकल्पों के साथ मैं भी आज इनके साथ जुड़ी हूँ और इनके हमेशा भविष्य में सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। और आशा है पूरे देश के अलग अलग उनमें शहरों में इसी तरह के यूनिट्स खुलें और आप लोग इसी तरह एक्सपेंड करें। थैंक यू। पुष्पन जी नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे 24वें ब्लड डोनेशन कैंप पे विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी। विवेकानंद नाम हमने सिर्फ नाम के लिए नहीं रखा इस सोसाइटी का, हमने उनके एक आदर्श को पकड़ा है और वो है दे अलोन लिव वो लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्यथा वो मृत समान है। इसी भाव के साथ विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी की संस्थापक श्री आर एन शर्मा जी ने 1975 में इस सोसाइटी को बनाया और तब से उन्होंने खुद बड़ी लगन के साथ सेवा की और उन्हीं के ही मार्गदर्शन के अंतर्गत आज इस सोसाइटी के अंदर लगभग 200 लोग काम कर रहे हैं और हर किसी का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ सेवा। कोई भी नाम ख्याति नहीं चाहता, हर कोई चाहता है सिर्फ कार्य करना
और आज 24वां जो हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर हो रहा है। आज रोटरी ब्लड बैंक सेक्टर 17 की टीम आई हुई है, 37 की टीम आई हुई है, और उसके साथ आज ब्लड स्टेम सेल डोनेशन क्रिया को भी आज हमने यहाँ पे शुरुआत की है, और नेत्रदान महादान जिसको कहा जाता है उसको भी हमारा प्रयास जो है ना लगातार चलता रहता है, और अन्य इस तरीके की गतिविधियों को भी हम करते हुए कि जिसमें आने वाले समय में हम और भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि जिससे कि मानव कल्याण के वो कार्य हो। आज हम सब लोग बहुत बड़भागी हैं कि हमारे मध्य डॉक्टर पुनीत बेदी जी आई हैं और एक बड़ी ऊर्जा की सोत्र हैं। अभी जितनी देर से इनके साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो भाव हैं वो हैं यूथ के लिए, इन्होंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए हैं कि जो कि यूथ के लिए हम आने वाले समय में इनके मार्गदर्शन में वो सब करना चाहेंगे। मैडम आपका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके मार्गदर्शन के अंदर हम जरूर करेंगे। और जैसे कि इन्होंने अपना कहा कि मैं इस सोसाइटी को ज्वाइन भी करूंगी, तो आप एज एडवाइजर हमारे साथ जब जुड़ेंगी तो हम और भी ऐसे कार्य कर सकेंगे। मेरा सौभाग्य।